हेलो दोस्तों, मैं हूं पंकज। वेलकम अमरोहा में आपका स्वागत है। आज हम जीपीएस डिवाइस जो होती है कुछ के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम करती है, कभी लगती है कभी नहीं लगती है, काफी काफी टाइम लग जाता है जीपीएस डिवाइस को लोकेशन उठाने में, तो आज हम उसी पर बात करते हैं। चलिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें अपना एक टैब ब्राउजर खोल लेना है, जिसमें यह चेक करना है कि हमारा जीपीएस लोकेशन जो ड्राइवर है हमारा, वो वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, और हमारी जीपीएस हमारे सिस्टम में कौन सी पोर्ट को उठाती है। जब हम अपने सिस्टम में चार पांच पोर्ट दी होती हैं, हालांकि नए लैपटॉप में तो केवल दो पोर्ट आ रही हैं, नहीं अगर उसमें हम यूएसबी हब अगर एक्स्ट्रा लगा देते हैं, तो हमारी कौन सी पोर्ट को हमारी जीपीएस डिवाइस सपोर्ट करती है। तो उसके लिए सबसे पहले अब यहाँ हमें आपको यहाँ स्क्रीन पर आ जाना है, यहाँ को लिखना है आपको UGR 86। जैसे आप UGR 86 लिखेंगे तो आपके सामने दो नंबर आधार के नाम से वेब पेज आ जाएगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने यह एक पेज खुल जाएगा। इस पेज में आपको तीन ड्राइवर आपको शो कर रहे हैं, एक दो तीन, तीनों को डाउनलोड कर लेना है। तीनों को डाउनलोड करने के बाद आपको स्टेप बाय स्टेप, मतलब पहले ये इंस्टॉल करना है, फिर ये इंस्टॉल करना है, फिर ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको थर्ड वाला ऑप्शन आपको क्लिक कर लेना है आपकी लोकेशन को देखने के लिए। तो मेरे तीनों ड्राइवर इसमें इंस्टॉल है पहले से, आप इन्हें डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, और आपको क्लिक डाउनलोड हेयर पर इस पर क्लिक कर देना, आपके सामने एक फाइल डाउनलोड हो जाएगी टेस्ट वाली। आप इसमें सारी फाइलें डाउनलोड कर सकते हैं, वन बाई ये कर सकते हैं। हमें जीपीएस चेक इसे डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप इसे डाउनलोड करेंगे, ये देखिए मैंने सेव कर लिया है, इधर से डाउनलोड हो चुकी है। इसका क्या वर्क होता है? इसका वर्क होता है कि हमारी जीपीएस लोकेशन पर प्रॉपरली वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, इसलिए यह डाउनलोड की जाती है। जैसे ही मैंने इसे ओपन कर दिया है, मेरे सिस्टम में जीपीएस लगी हुई है। तो आप जब इसे सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद इस फाइल को डाउनलोड करेंगे, इससे यह पता चलता है कि आपकी जो जीपीएस डिवाइस है वो सिस्टम के कौन से पोर्ट को सपोर्ट करती है। ये देखिए मेरी जीपीएस लोकेशन डिवाइस जो है, उसका यूएसबी जो केबल है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। मेरे सिस्टम में जीपीएस लग चुकी है। जीपीएस लगने के बाद आपको किस चीज पर ध्यान देना है? जैसे ही आपके सामने यह पेज खुलेगा और आपके सिस्टम में जीपीएस लग रही होगी, मैं फिर से इसे काट के दोबारा से खोल लेता हूं, और यहां से ओपन पोर्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये देखिए अभी तक कोई भी एक्टिविटीज में नहीं हो रही है, अब एक्टिविटी होने लगी है। एक्टिविटी होने से ये दिख रहा है कि हमारी जीपीएस डिवाइस काम कर रही है। फिर आपको देखना है पोर्ट सेटिंग, आपको दिख रही है पोर्ट सेटिंग में आपको चले जाना है। पोर्ट सेटिंग में जाने के बाद आपको COM2 दिख रहा है। ये क्या होता है? अगर हमारी जीपीएस डिवाइस पोर्ट 1, पोर्ट 2, पोर्ट 3, अगर इन तीनों में से किसी एक को उठा लेती है ऑटोमेटिकली, तो हमारी जीपीएस कभी भी प्रॉब्लम नहीं करेगी, क्योंकि जीपीएस डिवाइस पोर्ट 1, पोर्ट 2 और पोर्ट 3 पर ही वर्क करती है। अगर आपके यहाँ पोर्ट 5, ये COM 5, 4, 6, 7 या जो भी आ रहा है, आप इसे कैसे चेंज करें? इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको इस पेज को काट देना है, सभी पेज को, और अपने सिस्टम पर आ जाना है। जैसे आपने कंप्यूटर पर क्लिक करेंगे, कंप्यूटर क्लिक करने के बाद मैनेज पर क्लिक करना है। जैसे ही मैनेज पर आप आएंगे, मैनेज पर आपको आ जाने के बाद आपको दिख रहा है डिवाइस मैनेजर। डिवाइस मैनेजर में आपको आ जाना है। डिवाइस मैनेजर आने के बाद आपको ये दिख रहा है, आपको अदर डिवाइस में जाके पोर्ट COM, इस पर आपको डबल क्लिक कर देना है। जैसे ही आपके सामने एक ऑप्शन खिलेगा, इस पर क्लिक करने के बाद आपको राइट माउस की राइट बटन करने के बाद आपको प्रॉपर्टीज पर आ जाना है। प्रॉपर्टीज पर आने के बाद पोर्ट पर क्लिक कर देना है, पोर्ट सेटिंग पर। उसके बाद आपको एडवांस पर आ जाना है। जैसे ही आप एडवांस पर आएंगे तो आपके सामने यह ऑप्शन दिखेगा। हो सकता हो आपकी विंडो में यह ऑप्शन सबसे नीचे दिख रहा हो, क्योंकि मैंने अभी एक लैपटॉप में डेस्क पर सेटिंग की थी, तो उसके में ऑप्शन ये सबसे नीचे आ रहा था।
जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरे पास पोर्ट 3 यूज हो रही है, पोर्ट 6, पोर्ट 8 जो है यूज हो रही है, तो 2 यूज नहीं है और आपका 1 यूज नहीं है। आप इसमें से 1, 2, 3 किसी भी पोर्ट पर क्लिक कर देंगे। पोर्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सर, जैसे मेरा पोर्ट 2 था, मैंने क्लिक किया और आपको ओके पर क्लिक कर देना। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके पर कर देना है तो आपकी पोर्ट की सेटिंग चेंज हो जाएगी। जैसे देखिए मेरी पोर्ट की सेटिंग चेंज हो रही है, तो प्रोसेस में है। इससे आपको क्या करना है, जो आपने डाउनलोड किया था उसी वाले ऑप्शन पर फिर जाना है। जैसे मैं डाउनलोड में गया और मैंने अपने इसे ओपन किया है, ओपन करने के बाद ये थोड़ा लेट ओपन होगा, आपके सामने ओपन हो चुका है। जैसे आप पोर्ट ओपन पर क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपके सामने ये पोर्ट उठा लेगा। अभी देखिए मेरा पोर्ट नहीं उठा रहा है क्योंकि मेरे जीपीएस का केबल जो है इंसर्ट आउट इन आउट हो रहा है, दिक्कत आ रही है। आपको यह कर लेना है, आपके सामने पोर्ट खुल जाएगी। हो सकता हो मैंने सेटिंग चेंज की है, मुझे सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़े, क्योंकि मैंने पोर्ट की सेटिंग चेंज की है, मुझे लगता है कि मेरे सिस्टम को रिस्टार्ट करना पड़ेगा। एक बार फिर इसे एग्जिट कर लें और जीपीएस लगाने के बाद आपको वही जो आपने डाउनलोड किया था उसे ओपन कर लेना है। देखिए मैंने ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद देखिए मेरी कॉम पोर्ट 2 उठा ली है और ओपन पोर्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप ओपन पोर्ट पर क्लिक करेंगे तो आपकी अगर जीपीएस डिवाइस लग रही होगी, जीपीएस डिवाइस लगने के बाद आपको पोर्ट ओपन पर क्लिक कर देना है, तो ओपन पर क्लिक कर देना है। जो UGR86 होती है उसका बाउड रेट 9600 होता है और जो जी स्टार की जीपीएस डिवाइस होती है उसका बाउड रेट 4800 होता है। देखिए मेरे सामने जीपीएस लोकेशन उठा रही है, अगर आपकी नहीं उठाती है किसी कारण की वजह से, यहाँ तक भी नहीं आता है, तो आपको पोर्ट चेंज कर लेना है। हालांकि कुछ को दिक्कत रहती है कि मेरी जीपीएस आज नहीं लग रही है, कल मेरी ठीक ठाक लग गई थी, तो उनको यही प्रॉब्लम देखने को सॉल्व होती है। जैसे ही मैंने इसे क्लिक किया, जीपीएस डिवाइस मैंने लगा लिया, इसमें लगाने के बाद ओपन पर क्लिक करेंगे, ये मेरे जीपीएस प्रॉब्लम कर रही है क्योंकि इसका केबल पुराना हो चुका है, मुझे नया केबल इसमें लगाना पड़ेगा। अब देखिए मेरी जीपीएस लोकेशन काम कर रही है। अभी अगर आप यूसीएल में इसमें लोकेशन उठाएंगे तो लोकेशन आपको नहीं उठेगी, क्योंकि यूसीएल में लोकेशन उठाने के लिए आपको यहाँ पर चार पोर्ट, चार ऑप्शन आने जरूरी है। देखिए मेरे यहाँ चार ऑप्शन आ रहे हैं, जब यहाँ पांच ऑप्शन आने लगेंगे सिंगल स्ट्रेंथ में जाके, तो तब आपके यूसीएल में जाके लोकेशन उठाएगा। जब आपके यूसीएल में लोकेशन उठाएगा तो UG86 इसमें लाइटें लगी होती हैं, तो अभी ग्रीन लाइट जल रही है। जब लोकेशन प्रॉपरली उठा लेगा तो इसमें रेड लाइट जलने लगी। अभी देखिए पांच ऑप्शन आ गए हैं, अब जीपीएस लोकेशन हमारी यूसीएल में उठाने के 100% चांसेस हैं। अगर आपकी लोकेशन अभी भी नहीं उठाता है तो आपको यह ग्रीन होने या ब्लू होने का इंतजार करना है। अभी देखिए यह ग्रीन या ब्लू होने वाली है, जैसे इस लोकेशन प्रॉपरली मिलेगी तो ये ग्रीन या ब्लू हो जाएगा, तब आप अपने यूसीएल में जाएं। यूसीएल में जाके स्टार्ट जीपीएस पर क्लिक करें और तुरंत से आपकी लोकेशन उठा लेगा। यह सेटिंग आपको जीपीएस लोकेशन पर कैसी लगी, और आपको अगर कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, मैं आपको इससे बेहतर आपको वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं, ग्रीन ब्लू होने के बाद यह ग्रीन हो चुकी है, अब हमारी लोकेशन प्रॉपरली उठा लेगा। तो आप इस तरीके से अपने यूसीएल की जीपीएस लोकेशन की सेटिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।